राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। थाना सिकंदरा पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर कम मात्रा में दिखाई शराब। विजय तोमर के घर कमला नगर पुलिस ने लूटपाट कर किया तांडव। कमला नगर के साथ सिकंदरा पुलिस ने नाबालिग बच्चों की मौजूदगी में घर में की लूटपाट का वीडियो हुआ वायरल। बिना जानकारी कर चोरी की गाड़ी बताकर घर से खिंचवाई कार। पीड़िता द्वारा कमला नगर पुलिस से विनती करने के बाद भी कमला नगर पुलिस का नहीं पसीजा दिल। लुटेरी पुलिस के खिलाफ पीड़िता एडीजी अजय आनंद से करेगी शिकायत। उच्च अधिकारी के यहां से भी न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के यहां जाकर कमला नगर पुलिस की करेगी पीड़िता शिकायत। थाना कमला नगर क्षेत्र के अंतर्गत शांति नगर का मामला। नमस्कार, ये मेरा भाई दक्ष है, ये मेरी बहन श्रद्धा है। हमारे मम्मी पापा कल सुबह से घर पर नहीं है। आज पुलिस वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि अपने घर का गेट खोलो। हमने मना कर दिया कि हमारे मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आना। तो वो बोलते हैं गाली देकर कि गेट खोल रहे हो या हम तोड़ दें। तो हमने मना कर दी कि अभी घर पर कोई नहीं है, तो हम नहीं कोई गेट खोलेंगे। तो वो गेट पैसे जंप करके अंदर आ गए और ड्राइंग रूम की विंडो से हम लोगों को बोलते हैं कि गेट खोल दो वरना हम तोड़ देंगे। हमने बोला कि अभी आप जाओ, अभी घर पर कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। फिर तो वो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं अंदर, और वो गेट तोड़ के अंदर आ गए और फिर सारे घर में चेकिंग करने लग गए। किचन में, बेड में, दोनों तीनों बेड में चेकिंग करने लग गए। अलमारी में चेक करा और पापा के पैंट टंग रहे थे और उनको उनमें चेक करा, सारे पैंटों में उसमें पैसे रखे थे वो भी नहीं है। मम्मी के कपड़े हिला हिला कर देखे और सब फैला दिया, और उसमें भी पता नहीं सामान रखा था लॉकर में, उसमें से भी पता नहीं क्या लेकर गए हैं। और गाड़ी की चाबी हमें नहीं पता थी और वो पूछ रहे थे, तो फिर हमें नहीं पता थी पापा कहाँ रखे थे, उनको भी ध्यान नहीं आ रही थी। तो फिर उनने पूछा गाली देके कि बताओ कहाँ पे, उनने बहुत गंदी गाली दी थी। आप हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए, UP80BF0028। हमें नहीं पता थी कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, वो बोलते हैं कि गाड़ी की चाबी बता दो और गाली देके बोल रहे थे। हमने बोला कि हमको नहीं पता कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। गाड़ी हमारी मम्मी के नाम है और आप देख भी सकते हो। और मनीषा क्रेन से उसको उठा के ले गए, चोरी की गाड़ी बोलकर उसे क्रेन से उठा कर ले गए। गाड़ी हमारी मम्मी की है, मम्मी के नाम से मनीषा नाम से मेरी मम्मी का, हमारी मम्मी का नाम मनीषा है। मेरा नाम मनीषा है, मेरे हस्बैंड का नाम विजय तोमर है। हम दोनों कल से घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर आए हुए हैं, अभी भी मैं घर पर नहीं हूँ। आज दोपहर में 2-3 बजे करीब मेरे बच्चों के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है और घर में पहले बैल बजाई है, बैल बजाने पर बच्चों ने गेट नहीं खुला, उन्होंने कहा कोई नहीं है घर पर, तो वो गेट के अंदर इस तरीके से सूदे हैं जैसे किसी आतंकवादी को घर में घेरने आया हो। और बच्चों ने जब कहा कि है ना मेरी मम्मी से बात कर लो, मैंने उनसे कॉल पर बात की है तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप आ जाओ, मैंने कहा मेरे को आने में टाइम लगेगा, आप मैं आ जाऊँ घर पर, जब आना मेरे घर पर, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की। तो फिर बच्चों ने अंदर वाला गेट खोला है मेरा, बाहर वाले गेट से वो अंदर कूदे और अंदर वाला फिर बच्चों ने खोला है, डर के मारे बच्चों से गाली गलौज करी उन्होंने और बोला है कि है ना पहले अपनी मम्मी को बात कराओ। फिर मेरी मम्मी, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको अभी आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अभी नहीं आ सकती, मैं बहुत दूर हूँ। तो बोले कि ठीक है और उन्होंने पूरे घर को ऐसे खंगाला है, मेरी अलमारी को तो बिल्कुल नीचे सामान गिरा दिया उसका पूरा, लॉकर खुला है मेरा मेरे घर में। अब क्या सामान है मुझे पता नहीं है, मैंने बच्चों से पूछा है मेरा ये सामान वहाँ था, तो वो वहाँ सामान वहाँ पर मौजूद नहीं है। कमला नगर थाने से आई थी पुलिस और उसमें मेरे बेड को भी खुला, उन्होंने पूरा सामान बिखेर दिया है, एक एक पैंट की एक एक जेब तक तलाशी है मेरी, एक एक साड़ियाँ मेरी, एक एक सूट सब खोल खोल के उन्होंने ऐसे छाना है जैसे पता नहीं इसमें हमने क्या रखा हुआ है। मेरे घर में कोई सामान की बरामदगी नहीं हुई है
और उन्होंने ना कोई अपनी वीडियो बनाई ना कुछ करा, मेरे घर में घुस के लूटपाट करने की कोशिश की है पुलिस वालों ने कमलानगर थाने से। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जो मेरी फरियाद को अधिकारी लोग सुने। एक चीज सुन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक बार जेल गया तो क्या उस व्यक्ति को उसी आधार पर दोबारा जेल भेजने का कानून है क्या? व्यक्ति अगर सुधर गया है तो उस चीज को नहीं उतर रहे हैं। मेरे हमारे को इतना परेशान करा जा रहा है पुलिस द्वारा, हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं हमारे साथ, परेशान हमें करते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं हमें मेंटली, और पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दो नहीं तो हम उठा के तुम्हारे ऊपर बॉर्डर लगा देंगे, कभी ये कर देंगे, हमें किसी धारा में भेज देंगे, यही काम करते हैं। मैं सिकंदरा थाने पे भी पिछली बार उनको उठा के ले गए थे घर से ही, ऐसे ही करते हैं ये हमारे साथ। और मेरी गाड़ी को उठा के ले गए हैं, क्रेन से उठा के ले गए हैं, बच्चों ने कहा कि मम्मी आ जाएंगी जब आप बात करना, तो उन्होंने नहीं सुना। मेरी गाड़ी का नंबर UPSC DF 0028 है, I-20 गाड़ी है मेरी, वो पुलिस वाले उठा के ले गए हैं क्रेन से, कह रहे थे चोरी की गाड़ी है, गाड़ी मेरे नाम है, मेरे पास कागज है सारे। और आप मैं बस इतना चाहती हूँ कि अधिकारी लोग मेरी फरियाद को सुने और है ना हमें जो पुलिस की वर्दी में जो गुंडे हैं उनसे हमें बचाए। अगर अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊंगी। नारी सशक्तिकरण का वो इतना बड़ा प्लान चला रहे हैं, उसमें हमारे लिए कुछ है? हम बहुत तक बुरी तरीके से हमें परेशान कर रखा है पुलिस वालों ने।